ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं, जिसका मतलब ये है कि ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ नियमित रूप से होता रहेगा। मस्जिद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को तुरंत रोकने की अपील की गई थी, जिस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख दी। वहीं मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोगों ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया। एसआई की रिपोर्ट अभी आई है, अभी किसी न्यायालय में ट्रायल के लिए लगा नहीं, फिर जिला जज महोदय ने किस बिहाफ पर आर्डर कर दिया कि वहाँ पर पूजा कराएं या वहाँ पर ये करें, जबकि उस तहखाने में कोई मूर्ति है ही नहीं है। आप फोटो देख लीजिए, 4-5 मूर्ति रख करके वहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका में पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए जिला कोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी। ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत दिए जाने के जिला कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जताई। लॉ बोर्ड ने दावा किया कि कोर्ट ने फैसला जल्दबाजी में दिया और मुस्लिम पक्ष को जिरह करने का मौका तक नहीं दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी चाहिए। अकीदत अक्सरियत की उसके अंदर दखल रखती है तो उसके अंदर, उसके मुकाबले के अंदर कानून बेकार और बेअसर हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया कि इस फैसले से करोड़ों लोगों का कोर्ट से विश्वास टूट गया। हमारी अदालतें भी ऐसे रास्ते पर चल रही हैं जिससे लोगों को एतमाद को ठेस लग रही है, लोगों का भरोसा उसकी वजह से टूट रहा है। वहीं ये भी कहा गया कि ऐसे फैसलों से मुसलमानों का सब्र भी टूट रहा है। सबर और तहम्मुल करना छोड़ देंगे सारे देश का नुकसान होगा, इस बात को समझना हमारी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस दौरान बाबरी मस्जिद के फैसले को भी गलत ठहराया। जुम्मे की नमाज को देखते हुए आज वाराणसी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। ज्ञानवापी परिसर में आमतौर पर जितने नमाजी आते थे आज उससे कई गुना ज्यादा नमाजी वहां पहुंचे, जिसकी वजह से वहां भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ज्ञानवापी की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद करना पड़ा। प्रशासन ने भीड़ को काबू में रखने के लिए वहां बैरिकेड लगा दिए और लोगों से आगे न जाने की अपील की। नमाज के स्थान पे काफी लोग पहुंच चुके हैं, वहां भर गया, इसलिए इनको समझा के बताया जा रहा है कि अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज। वहीं मस्जिद प्रशासन ने नमाजियों से दूसरी मस्जिद में जाने की अपील की। मस्जिद में जगह भूल हो गई है, आप लोग मेहरबानी करके बीबी रजिया में जाके नमाज पढ़िए, जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए नमाज पढ़िए यहाँ पर। जिसके बाद नमाजियों को दूसरी मस्जिद की तरफ जाना पड़ा। पूरी तरह से पैक है, अब कहाँ जाएंगे पढ़ने? दूसरी मस्जिद पढ़ेंगे, दूसरी मस्जिद पढ़ेंगे। बताया गया कि ज्ञानवापी पर आए फैसले की वजह से क्षमता से कई गुना ज्यादा नमाजी इस बार वहां पहुंचे थे। ज्ञानवापी पर आए फैसले के विरोध में आज वाराणसी के कई इलाकों में मुस्लिम पक्ष ने बाजार बंद रखे। एहतियात के तौर पर संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। साथ ही जहां भी जरूरत से ज्यादा लोग एक जगह दिखाई दिए उन्हें फौरन वहां से हटा दिया गया। और पीछे होइए, फालतू ना खड़े होइए यहां पर, चलिए अपने अपने काम पर। वहीं दाल मंडी इलाके में दुकानों के शटर पर ताले लगे दिखे और बाजार पूरी तरह से बंद नजर आया। कि पूरी दाल मंडी में आज बंदी रखी गई है, हर मुस्लिम इलाके में जबरदस्त फोर्स तैनात की गई है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वहीं पुलिस ने भी कड़ी सुरक्षा का दावा किया। सभी संवेदनशील स्थानों पर और जो पुलिस का जो अनुभव है उसके आधार पर ड्यूटियां लगाई गई है। पुलिस अधिकारियों ने इस दौरान हालात के पूरी तरह से काबू में होने की बात कही। ज्ञानवापी पर आए फैसले के बाद सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो इसके लिए प्रशासन ने तकनीक का सहारा भी लिया। संवेदनशील इलाकों में आसमान से भी नजर रखी जा रही है और इसके लिए ड्रोन का सहारा लिया गया, जिससे वाराणसी की हर गली और कोने पर पैनी नजर रखी जा रही है। ये ड्रोन हवा में उड़कर पूरी सुरक्षा पर अपनी नजर रखे हुए है और जो चाक चौबंद सुरक्षा की बात हो रही है, पूरे वाराणसी में सुरक्षा का अलर्ट जारी है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है। इस बीच यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी कड़ी सुरक्षा का दावा किया। के आदेश से जो भी हुआ है, जो भी न्यायालय के आदेश हैं या आगे भी होंगे, उसका 100% अनुपालन पुलिस और प्रशासन के द्वारा कराया जाएगा। इस संबंध में सबको अवगत भी करा दिया गया है, सबका कोऑपरेशन भी हमें प्राप्त हो रहा है। प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रशासन अपने काम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही कर रहा है।
ज्ञानवापी में पूजा के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोगों ने जहां फैसले पर नाराजगी जताई तो वहीं हिंदू पक्ष के लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और दावा किया कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने का लिखित आदेश कानूनी तौर पर कभी आया ही नहीं था। त्रिशूल क्या कर रहे हैं, संघ क्या कर रहे हैं, दीवारें चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि हम भगवान भोलेनाथ जी विराजे, कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे। इस बीच अखिल भारतीय संत समिति की भी ज्ञानवापी पर बैठक हुई जिसमें मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नकारते हुए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। आप आगे बढ़कर के ज्ञानवापी के मंदिर को हिंदुओं को सौंप दें तो यह आपके लिए भी उत्तम रहेगा, अन्यथा हम भारतीय संविधान के दायरे में इसे प्राप्त करके ही रहेंगे। संतों की बैठक में इस बात पर निर्णय हुआ कि अगर कोर्ट के फैसले का विरोध सड़कों पर हुआ तो संत समाज भी प्रशासन के साथ मिलकर इसका जवाब देगा। समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है। जी हां, उत्तराखंड में यूसीसी पर बनी 5 सदस्यों वाली कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया। ड्राफ्ट को तैयार करने में करीब 2 साल का समय लगा। ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। यूसीसी पर बनी समिति ने उत्तराखंड में 43 जगहों पर जाकर जनता के सुझाव लिए, साथ ही ऑनलाइन पोर्टल पर 2,33,000 लोगों ने सुझाव दिए। ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद उसे विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का